दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पवनदीप के साथ इंडियन आइडल सेट पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और साथ ही उसकी सीन्स काटे जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है और ये रीजन किस हद तक इतना बढ़ चुका है कि अब तो जजेस उसकी तारीफ भी नहीं करते। यहाँ तक कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि किस तरीके से हिमेश रेशमिया उनकी हर एक गायकी के फैन थे, उनके हर एक मुड़कियों के फैन थे, लेकिन अभी अब अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ पर सीधा सीधी पता चलता है कि किस तरीके से हिमेश रेशमिया भी एक अच्छा रिएक्शन पवनदीप के गाने में नहीं दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? इंडियन आइडल में विशाल और नेहा कहाँ गए और उसके बदले अनु मलिक और सोनू कक्कर क्यों आए? इन सारी चीजों को दोस्तों आज हम जानेंगे और ये चीजें पवनदीप के परफॉर्मेंस पर, पवनदीप के एक्चुअल उनके पर्सनल ओपिनियन पर किस तरीके से उनको डैमेज पहुंचा रहा है, इसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले दिनों पवनदीप को और सवाई को बॉटम टू में डाल दिया गया, जबकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग थी क्योंकि यही वो दो टॉप कंटेस्टेंट रहे हैं बहुत सारे हफ्तों तक जिन्होंने पब्लिक से सबसे ज़्यादा वोट पाया। इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पवनदीप की बात करूं तो पवनदीप राजन पब्लिक के सबसे पसंदीदा म्यूजिशियन है। एक्चुअली उनको वन बैंड आर्मी कहा जाता है और पब्लिक सबसे ज़्यादा शॉक में थी जब पवनदीप को बॉटम टू में डाला गया क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। इसके पीछे का रीज़न मे भी आपको बहुत सारे YouTube चैनल के थ्रू पता लगा होगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स के जरिए पता लगा होगा कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि टीआरपी बढ़ाना है शो का, इसीलिए जो पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट होते हैं शो के उन्हें ज़्यादातर शो मेकर्स और जजेस टारगेट करते हैं। जैसा कि आपने बिग बॉस में देखा होगा कि रुबीना दलेक को जो ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड करती थी उनको भी काफ़ी सारे शो मेकर्स कलर्स टीवी के बिग बॉस के टारगेट करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो को देखें और शो की टीआरपी बढ़ जाए कि आगे आने वाले हफ्तों में पवनदीप के साथ क्या होगा, क्योंकि अभी पवनदीप बॉटम टू में हैं। और अगर मैं बात करूं एक और ओपिनियन की जो कि पब्लिक की तरफ से उठकर आई थी, वो ये थी कि सवाई भट्ट एक बहुत बढ़िया गायक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसके एविक्शन के लिए और कुछ कंटेस्टेंट जो सवाई भट्ट से नीचे आते हैं उनको बचाने के लिए पवनदीप को सवाई भट्ट के साथ रखा गया ताकि लोग ये सवाल ना करें कि सवाई को क्यों निकाला, पवनदीप को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पवनदीप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पॉपुलर स्टार बन चुका है या धीरे धीरे बन रहा है जो करोड़ों लोगों के दिलों में घर कर रहा है। तो ऐसे में सवाई के एलिमिनेशन के बारे में कोई ना पूछे, ये भी रीज़न हो सकता है पवनदीप को बॉटम टू में रखने का। ये दो तो रीज़न थे, लेकिन अगर हम इस हफ्ते के बारे में बात करें जो जावेद अख्तर स्पेशल या फिर सीनियर सिटीजन स्पेशल है, तो जावेद अख्तर स्पेशल वाले में आपने देखा कि पवनदीप ने मौसम बदला, लेकिन उसमें आपने कुछ देखा, एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि किसी ने भी, कोई जज ने छोटा सा अभी ओपिनियन पवनदीप के कल हो ना हो सॉन्ग को लेकर नहीं रखा। इनफैक्ट जावेद अख्तर साहब ने तो तारीफ की, लेकिन वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का पवनदीप को मिलता था और जिस लेवल का पवनदीप गाना अभी गा रहा है वो उस लेवल का नहीं था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है, लेकिन साथ ही साथ ये आप लोगों का भी ओपिनियन है जो कमेंट करते हैं बहुत सारे, मैंने देखा है इंस्टाग्राम्स पे, ट्विटर्स पे, या फिर आपने जो ट्रेंड चलाया था आवर प्राइम पवनदीप पे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पवनदीप के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ शो को टारगेट करने के लिए है। इनफैक्ट अनु मलिक के भाई अबू मलिक ने भी कहा है कि पवनदीप शो का विनर होगा, या फिर आप जितने भी लोगों से पूछो उनका कहना है कि बाकी सारे सिंगर्स तो अपनी जगह पे बहुत अच्छे गाते हैं लेकिन पवनदीप के गायन में एक सच्ची गायकी है जिसके कारण उन्हें लगता है कि पवनदीप ही इंडियन आइडल सीजन 12 का विनर होगा। खैर इस पे आपकी क्या राय है ये मुझे ज़रूर बताना, और खासकर सीनियर सिटीजन स्पेशल वाले में जो अनु मलिक ने टिप्पणी की है पवनदीप को लेकर कि इससे अच्छा तो पवनदीप पहले नहीं गाया है, उसमें क्या आपको कुछ फिशिंग लगता है, क्या आपको उसमें कुछ टॉन्ट लगता है अनु मलिक की तरफ से, ये डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम इंडियन आइडल से जुड़ी और भी खबर आपके लिए लेते आएंगे क्योंकि हमारा काम ही है क्रिएटर रिसर्च करना, अलग अलग कंटेस्टेंट, टीवी स्टार्स, बाकी के बारे में आपको बताना। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और देखते रहना क्रिएटर रिसर्च चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।